हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो में अपडेट किया था कि 8 तारीख को जो है बच्चे का डेट मिला था ऑपरेशन का, तो उस दिन जो है ऑपरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि 5वां नंबर लगा था और 4 बच्चों में ही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उस दिन नहीं हो पाया। लेकिन अगले दिन जो है फिर नंबर लगा, तो उस समय 3रा नंबर लगा और 3:30 बजे बच्चे को इंटर किया OT में और लगभग 8 बजे के बाद बच्चे को होश आ गया सही सलामत और बच्चा जो है ICU में गया। और 9 बजे के तकरीबन मैं मिलने गया बच्चे से, तो बच्चे को देखा, बच्चा बहुत ही बढ़िया कंडीशन में था, गुड कंडीशन में था। डॉक्टर भी बोले कि रिकवरी रेट इसका बहुत अच्छा है और आप लोगों की दुआ से और तथागत गौतम बुद्ध की कृपा से बच्चा आज सही सलामत जो है जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और अभी इसके विषय में, इसके संबंध में अभी ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड एक फुल वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, वो उसको आप लोग पूरा देखिएगा। अभी मैं इसमें इतना ही बताऊंगा कि अभी बच्चा ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो आराम कर रहा है क्योंकि अभी उसको आराम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा और रोज़ लगभग 5 बच्चों का ऑपरेशन हो रहा है और सबका लगभग ठीक ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वीडियो में अभी जो मैंने परसों वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, कई लोगों का नंबर लग चुका है, ऑपरेशन का डेट मिल चुका है, तो वो लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो घबराइए मत, आप लोग हिम्मत करके आइए और भरोसा रखिए डॉक्टर्स पे, आके यहाँ इलाज कराइए, बहुत अच्छा इलाज होगा, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ना बच्चे को ना आपको। आपका भी ध्यान रखा जा रहा है खाने पीने का और बच्चे का तो रखा ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। आइए इलाज कराइए और यहाँ का अनुभव आप आएँगे तो खुद ही आप अनुभव कर लेंगे कि यहाँ क्या चीज़ है ये, कि अब तक आप दिखाने आते थे तो क्या होता था, अभी आप इलाज कराएंगे तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया है और मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन में जो है डिस्चार्ज कर देना, उसके बाद से टाँका काटने के लिए बुला रहे हैं 15 दिन या 10 दिन इस टाइप से, तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं सारी अपडेट देता रहूँगा जब तक यहाँ पर हूँ, और जब यहाँ से मैं घर चला जाऊँगा तब एक फुल वीडियो बनाऊँगा, पूरा फुल डिटेल होगी उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड, जो भी मैंने चीज़ यहाँ फेस किया, जो भी चीज़ मैंने यहाँ अनुभव किया, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो ही आपको दे पाऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो हर एक के पास पहुँचनी चाहिए। और अपना ध्यान रखिए और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।